कश्मीर के सोपिया में आतंकी हमले में मारे गए कन्नौज के दो मजदूर। कन्नौज जिले के रहने वाले दो लोग मजदूरी करने के लिए कश्मीर के सोपिया में रहते थे, यहां आतंकी हमले में उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना से उनके परिवार में कोहराम मच गया है। उनके गांव पहुंचकर सांत्वना देने वालों का तांता लगा है। कन्नौज जिले के ठटिया थाना क्षेत्र के दन्नापुरवा गांव के रहने वाले 50 वर्षीय रामसागर पुत्र गज्जा और 40 वर्षीय मनीष कुमार पुत्र राम अवतार परिवार के पालन पोषण के लिए कश्मीर गए थे, जहां बीती रात आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमले के वक्त दोनों लोग मजदूरी कर रहे थे, उसी दौरान वो हमले का शिकार हो गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही दोनों मजदूरों की मौत की सूचना उनके गाँव में परिजनों को मिली तो वो लोग बिलक पड़े। जानकारी मिलते ही सांत्वना देने वालों का उनके गाँव में तांता लग गया। ठटिया के दन्नापुर गांव के रहने वाले रामसागर और मनीष करीब 2 महीने पहले ही मजदूरी करने के लिए कश्मीर गए थे, जिनकी कश्मीर के शोपिया के हरमन में आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई। गांव के लोगों को पता चलने के बाद जिला प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए कन्नौज जिले के दोनों लोगों का पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में जिला अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने सभी थाना पुलिस को सूचना दी और मृतकों के गांव का पता करने के निर्देश दिए। हालांकि कुछ समय बाद ही मृतकों के गांव का पता लगाते हुए पुलिस ने सूचना दी। यहाँ हमारा भतीजा 1.5 महीने पहले गया था। क्या नाम कश्मीर में? मुनीश कुमार। और रामसागर हमारे भाई लगते हैं, गाँव के हैं। वो वहाँ लेबरी करने के लिए अपनी मजदूरी करके अपना पेट पाल। कहाँ पर गए थे? कश्मीर गए हुए थे। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ पर? वो सेव भरते थे। हाँ हाँ, ठेकेदार के माध्यम से जाते थे, काम करते थे वहाँ। और वहाँ आतंकियों ने हमला कर दिया, उसमें मारे गए। वहाँ आतंकवादी अक्सर हमारे हिंदुओं पर ही हमला करते हैं। वहाँ पे शुक्रिया के डीपीआरओ से बात हुई है, वहाँ का भी पोस्टमार्टम चल रहा है। जैसे वहाँ पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद डेड बॉडी लखनऊ एयरपोर्ट से आने की संभावना है। हम सब लोग यहाँ पूरी व्यवस्था कर रखते हैं कि सब वहाँ से उनके डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया। सर, सूचना मिलने में काफ़ी समय हो गया था? नहीं, कल रात में अभी मेरी उन्हें जो इनके साथ के अन्य जो साथी काम कर रहे थे उनसे बात हुई। कल रात 11 बजे की घटना है और ग्रेनेड हमला हुआ था मजदूरों पर, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो इस आपके दन्नापुरवा ठटिया थाना तहसील तिरवा के रहने वाले हैं, इनके इनका देहांत हो गया है। सूचना जैसे मिली हम सब लोग तुरंत, चूँकि कम्युनिकेशन से थोड़ी सी आइडेंटिटी में दिक्कत हुई और जो अन्य जो मजदूर थे मेरी बात हुई, उनको आर्मी लेके गई है, सब लोग सुरक्षित हैं। अब ऐसी कोई वहाँ पर बात नहीं है। सर, इन लोगों के लिए आर्थिक मदद या कुछ ऐसे? बिल्कुल, हम एज एसडीएम इन लोगों के पास जमीन है, किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5-5 लाख रुपए, अन्य जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग इनकी पारिवारिक स्थिति अत्यंत दयनीय है, और भी जो शासनादेश के अनुरूप जो भी बात होगी हम सब लोग पूरे परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं। सर, झोपड़ी में रह रहे थे, इनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं हो पाया, क्या करूँ? आवास योजना के जो मानक हैं उस पर हम सब लोग निश्चित रूप से कराएंगे और इनकी रिपोर्ट हम तुरंत इसको भेज रहे हैं।